हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डिकोड द लॉ। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट लॉयर एंड एडवोकेट में डिफरेंस क्या है। एंड अक्सर आप लोग ये समझते हो दैट लॉयर जो है वही एडवोकेट है, मतलब ये दोनों एक सिनोनिमस टर्म है। एक लॉयर एंड एडवोकेट, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। सो पहली बात तो ये है दैट एक लॉयर के पास कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का कोई पावर ही नहीं है। मतलब एक लॉयर मतलब वो इंसान जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ LLB ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। सो लॉयर मतलब जो इंसान लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जो इंसान का LLB डिग्री है उस इंसान को बोला जाएगा लॉयर। एंड ये मायने नहीं रखता दैट वो 3 ईयर्स का लॉ कोर्स किया है और 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया है, ये मायने नहीं रखता है। सो जो इंसान लॉ ग्रेजुएट है उनको बोला जाएगा लॉयर। एंड एडवोकेट कौन? एडवोकेट मतलब जो इंसान, उनके पास LLB डिग्री तो है एंड उनके पास स्टेट से मिला हुआ एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम BCI भी बोलते हैं, उनके द्वारा इशू किया गया एनरोलमेंट भी है। एनरोलमेंट मतलब एक नंबर और एक लाइसेंस जो एक एडवोकेट के पास रहता है। एंड ये उनको एम्पावर करता है दैट पार्टीज़ का और कोई क्लाइंट का केस वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उस केस को लड़ भी सकते हैं। बल्कि दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ लॉयर। एक लॉयर कभी भी किसी पार्टी का केस लड़ ही नहीं सकते हैं, बिकॉज लॉयर मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ LLB डिग्री है, उनके पास कोई भी स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है लॉयर से एडवोकेट बनने का। ये सभी स्टेप्स का फुलफिल करना मैंडेटरी होता है एक इंसान के लिए जो LLB कंप्लीट किए है एंड एडवोकेट बनना चाहते हैं। सो आप एकदम क्लैरिटी से समझ लीजिए दैट एडवोकेट के पास कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का पावर होता है। पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके बिहाफ पर केस भी लड़ सकते हैं। एंड लॉयर मतलब जो इंसान सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएट है, मतलब उनके पास सिर्फ LLB डिग्री है एंड कोई भी एनरोलमेंट वगैरह उनके पास नहीं है। सो ये है मेजर डिफरेंस। एंड और दो चीज़, सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सो सीनियर एडवोकेट वो इंसान है जो इंसान के एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेसिस पर प्रोमोट किया जाता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि डेजिग्नेट किया जाता है एज सीनियर एडवोकेट। एंड आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो सीनियर एडवोकेट बनने का क्या प्रोसेस है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मतलब जो इंसान सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहे उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है दैट ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका नाम है AOR और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी बोला जाता है इसको। ये वाला एग्ज़ाम पास करने से आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके लिए भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ता है एंड आई हैव मेड अ डिटेल वीडियो, आप चाहो तो ये आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। सो यही था इस वीडियो में। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।